अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल में हमारे टीवी सितारे कैसे फिट रहते हैं, आइए जानते हैं आज परमीत यानी गौरव चौधरी से, जो हमें बता रहे हैं अपना फिटनेस फंडा। फिट होने का राज बहुत सिंपल है, आप जो भी खाते हैं आप उस पर कंट्रोल कर लीजिए। बहुत ही सिंपल रास्ता है, आपको ना तो कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ आपको डाइट वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल, जो आप खाते हैं साफ सुथरा खाना खाइए, सुबह खाना जल्दी खाना स्टार्ट कर दीजिए, 6-7 बजे अपना खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए और शाम को 6-7 बजे तक खाना खाना बंद कर दीजिए। That's it. और नींद पूरी कीजिए, that's it. और कुछ नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, इसके अलावा कुछ और चीज नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो ना तो आपको शूज खरीदने की जरूरत है, ना आपको जिम जाने की जरूरत है। सबसे अच्छा और सस्ता तरीका यह है, आप सिंपल किसी 14 मंजिल या 20 मंजिल की कोई बिल्डिंग ढूंढिए और वहाँ की सीढ़ियों पर ऊपर नीचे 3-4 बार राउंड मारिए, आपका सारी फिटनेस टेक केयर हो जाएगी, डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रोटीन्स खाएं बहुत सारे, स्पेशली मेरे एज ग्रुप में। आई डोंट नो आप किस एज ग्रुप में है तो उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। अपनी एनर्जी के लिए अपना कार्बोहाइड्रेट्स टाइम पे खाएं, तो जैसे खाने में आप ब्रेड हो गया, अंडे हो गए, अंडे बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली अगर वो लोग जो नॉनवेज नहीं खाते उनको पनीर वगैरह या सोयाबीन खाए या बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए। किसी ने मुझसे कहा था कि यार दुनिया के जो सबसे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, एक तो हाथी और चिंपैंजी जो बड़ा वाला होता है, भालू तो नॉन वेजिटेरियन होता है, हाथी और चिंपैंजी बड़ा वाला जो होता है, ओरांगुटान। सो सबसे बड़े जानवर जो हैं वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, सो देयर इज़ नो सच थिंग कि नॉन वेज खाने वाले ही मजबूत होते हैं। सो साफ सुथरा खाना खाइए, बस अपने घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आजकल शूट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं ज़्यादा वक्त अपने जिम में गुजार नहीं पा रहा हूँ और मेरी मेंबरशिप कब खत्म होगी मुझे पता ही नहीं है। मैं बीच में जाता रहता हूँ, नोबडी सेज एनीथिंग कि अरे पैसे वैसे दे दो या नहीं दे दो। मैं बस अंदर जाता हूँ और अपने रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ पे बैठी होती है उनको स्माइल देता हूँ, हे हाउ यू डूइंग, और बोलती हैं, और मैं अंदर घुस जाता हूँ कुछ बिना कुछ बोले। बट मैं हफ्ते में कोशिश करता हूँ 3 या 4 बार चला जाऊँगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपना स्टेयर्स क्लाइंबिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो अपने हमारे घर के साथ में एक 14 मंजिल की टावर है तो उस पर मैं हफ्ते में 2-3 बार जाके ऊपर नीचे एक राउंड मार लेता हूँ, तो अच्छा रहता है, अच्छी फिटनेस हो जाती है। मैंने ट्राई किया था, मैंने बीच में अपने साथ सेट पे वर्कआउट करने के लिए मैं एक एक्सरसाइज की केबल लेकर आया था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी आपने मेकअप वेकअप पहना होता है, हमने दिन भर पहन के रखना पड़ता है कपड़े जो होते हैं, कॉस्ट्यूम पहना होता है, तो बीच में एक्सरसाइज करने से वो सारा ख़राब हो जाता है, तो उस चीज़ को मेनटेन करना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ खास नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि उल्टा सुलटा ना खाऊं, अपना घर का खाना लेकर आता हूँ अपने साथ तो मैं वही खाता हूँ जुदान से। देखिए मेडिटेशन और योगा एक अलग टाइप का वर्कआउट है, वो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, कामनेस लाता है एंड आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है और वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जिम में वर्कआउट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो जिम वर्कआउट का मतलब ये होता है कि आपको अपना फिगर मेंटेन करनी है, आपको अपना शो ऑफ करना है, आई गेस नॉट शो ऑफ बट ज़्यादा फिट के बारे में, वो जो डोले वोले बनाने हैं लड़कियों के लिए, अपनी फिगर मेंटेन करनी है, ऑल दैट, वेट लॉस करना है। सो दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, तो आई कॉन्ट कंपेयर दोस्त टू, बट आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह पे, आपको दोनों ट्राई करने चाहिए। मैंने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत स्टार्ट किए हैं काम, इनफैक्ट मैं तो ये काम करता था कि अपने एरिया में जितने भी जिम है वहाँ पे जाकर चेक करता था, पहले एक एक दिन ट्रायल लेता था कि वहाँ पे कैसी कैसी कौन कौन लड़कियाँ आती हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ मिलती थी अगले दिन जाके मैं वही जिम ज्वाइन कर लेता था। तो ये काम मैंने बहुत किए, बट या इट्स गुड फन यार। तो इम्प्रेस करने के लिए आप जिम ज्वाइन करते हो या नहीं करते, इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जिम किसी भी रीज़न से ज्वाइन करते हो, एक्सरसाइज किसी भी रीज़न से करते हो, तो आपके लिए अच्छा है यार। स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए आपको, स्मोकिंग आपका बहुत 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 बुरी हैबिट होती है आपकी बॉडी के लिए। अल्कोहल थोड़ा बहुत चलता है, वाइन वगैरह आपने पी ली तो वो बॉडी के लिए ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फिजिक को मैं एडमायर करता हूँ। सबसे पहले हमारे इंडिया में आई थिंक ऋतिक रोशन, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना बॉडी अपना फिजिक बनाया हुआ है और जैसे मेंटेन रखते हैं वो उस चीज़ को। एंड उसके अलावा हॉलीवुड में तो यार आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी, यार मार्क वॉलबर्ग ले लीजिए या ह्यू जैकमैन, जैसे वो अपना वुल्वरीन की फिल्म्स में अपनी बॉडी बना के आते हैं। सो जितना ज़्यादा हम फिटनेस कॉन्शियस होते जा रहे हैं उतना अच्छा है, तो अच्छी चीज़ है सबके लिए। फिटनेस की सबसे इंपॉर्टेंट टिप वही है कि आप अपने खाने पर कंट्रोल करें। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि कोई भी ड्रग, कोई भी गोली, कोई भी केमिकल आपको वेट लॉस या वेट गेन करने में हेल्प नहीं करेगा। द ओनली थिंग जो आपकी हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें करने में या फिट रहने में या हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में, वो है कि जो आप खाते हैं। तो जो आप खाते हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, बिल्कुल सही चीज़, साफ सुथरी चीज़ खाइए, घर का खाना खाइए, एंड आई एम श्योर आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। दैट्स ऑल। कई और सितारों के फिटनेस का राज खोलेंगे और जानेंगे कितने फिटनेस फ्रीक है वो। कैमरामैन बाबा जी के साथ निहार सावंत, इंडिया फोरम्स, मुंबई।